चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं पी टू प्रॉब्लम। एक बार देख लें इस प्रॉब्लम को। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, वो बताएंगे हम आपको। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड है 18,000 किलो 10 रुपए से, एक्चुअल है 20,000 किलो 12 रुपए से, 5,000 किलो 20 रुपए से। आफ्टर एनालाइजिंग द इट वॉज फाउंड दैट आउट ऑफ 25,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स वर परचेज एज एन इमरजेंसी ऑर्डर। ये जो इमरजेंसी ऑर्डर वर्ड यूज है ना, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब इसको समझें जरा। पी टू करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 18,000 इंटू 10, एक लाख 80,000। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 20,000, तो 12 रुपए से, एक और 5,000 20 रुपए से है। तो ये हो गया आपका 3,40,000। तीसरा क्या होगा? 25,000 क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अब हम बात करेंगे जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये कितना होगा? 2,50,000 माइनस 2,50,000 माइनस 3,40,000। नब्बे हजार एडवर्स। और मटेरियल यूजेज वेरियंस होगा वो क्या होगा? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ये कितना आ जाएगा हमारा? 70,000 एडवर्स। सही है कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन है वेदर द एबव वेरिएंस इज करेक्ट। क्या जो ऊपर वेरिएंसेस हमने निकाले हैं वो सही है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं है सही? सुनिए, पर जैसे ये वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट करके सर्कुलेट किए तो परचेज मैनेजर ने इमीडिएटली उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस रेज करी। परचेज मैनेजर ने कहा, सर आई हैव परचेज्ड 5,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट ड्यू टू इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। इफ आई वुड हैव बीन
given sufficient time, I could purchase this quantity at normal price, that is rupees 12 per kg या unit. अब ये बताइए परचेज मैनेजर जो है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है. उसने ये जो 5000 क्वांटिटी है, ये 5000 क्वांटिटी आप इमरजेंसी में खरीदा, और इमरजेंसी किसकी वजह से, ये इमरजेंसी क्रिएट हुई है ड्यू टू नॉन प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर ने पहले कोई प्रॉपर प्लानिंग करी नहीं, तो उस वजह से ये इमरजेंसी खड़ी हो गई. तो इस वजह से इमरजेंसी ऑर्डर पर जो भी एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं वो परचेज मैनेजर की गलती नहीं है, वो किसकी गलती है, प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें जब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो हम वो नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे. अब जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा वो क्या होता है, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू. तो यहां पर जो एपी लेंगे हम वो 12 रुपए लेंगे ना कि 20 रुपए. 10 माइनस 12 इंटू 25,000. क्वांटिटी हमने पूरी ली है क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो 10 रुपए का था, तो वो 12 रुपए पे अगर खरीद रहा है तो ये नहीं कह सकता कि सर 5000 रुपए वाला मैं 10 पे खरीदता. भाई जब तुम 20000 12 पे खरीद रहा है तो ये 5000 भी 12 पे खरीदता. तो मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस होगा वो कितना होगा, 50000 एडवर्स. एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होगा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी प्लस प्लस क्या, एक्स्ट्रा प्राइस पेड ड्यू टू इमरजेंसी ऑर्डर, या इमरजेंसी ऑर्डर की जगह इमरजेंसी रिक्वायरमेंट कर दें तो ज्यादा अच्छा है. इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, यानी कि कैलकुलेशन कैसे होगी, एस क्यू कितना है सर 18,000, ए क्यू कितना है सर 25,000, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है सर 10 रुपए, प्लस 5,000 किलो पे आपने 12 में से 20 रुपए यानी कि 8 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, तो सर 70,000 रुपए तो हमारा ये हो गया, और 40,000 रुपए सर हमारा एक्स्ट्रा प्राइस आपने पे करी, तो टोटल जो वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा, 110,000. तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया नया, ये जो हिस्सा है ये नया कॉन्सेप्ट है. ये पीटीआर भी कहेंगे इसे, याद रखने वाला. तो इससे क्या सीखे हम, इससे हम ये सीखे कि सर फॉर्मूले तो ठीक है लेकिन इन सब फॉर्मूले जो जहां से जनरेट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं वहां से आपको समझना है. परचेज मैनेजर माल तुम मंगा रहे हो इमरजेंसी में और झेले वो, क्यों झेले वो, उसको और टाइम दो तो वो 12 रुपए पे खरीद के आपको दे देगा. ठीक है सर, तो ये हमने P2 प्रॉब्लम करी है.